नमस्कार, खेलते रहो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रुचि। खेल का मैदान चाहे कोई भी हो, घर अपना हो या जमीन पर देश की हो, इंडिया की बेटियां हर जगह बाजी मार रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे ही होनहार खिलाड़ियों पर आज हम बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि आज है इंटरनेशनल विमेंस डे और इस शो में मेरा साथ देंगी वुशु प्लेयर रोशनी। तो शुरू करते हैं आज की खास पेशकश गोल्डन गर्ल्स। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में केवल पुरुष खिलाड़ियों का ही बोलबाला है, महिला खिलाड़ियों ने भी पूरे दमखम के साथ देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना लोहा मनवाया है। यकीन करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है और गले के नीचे आसानी से नहीं उतरती। मैदान क्रिकेट का हो या हॉकी का, खेल शहमात का हो या ताकत का, हर जगह देश की गोल्डन गर्ल्स पड़ती हैं सब पर भारी। दुनिया देखती रह जाती है इनका जलवा। देश की शान है ये, देश का अरमान है ये, इनके बिना अधूरी है खेल की कोई भी कहानी। ये जीतती हैं तो पलकियां खुशी से भीग जाती हैं, तिरंगा खुद पर इतराने लगता है और देश का सर गर्व से और ऊंचा हो जाता है। हर मुश्किल को पार कर इनकी हिम्मत से जीतता है हिंदुस्तान। सात समंदर पार जब देश की बेटियों का सम्मान होता है तो लगता है इंडिया ने एक पल में सारा जहां जीत लिया। इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी हिम्मत के आगे सजदा करने को जी चाहता है। जो कहते थे लड़कियां जंग नहीं जीत सकती, आज वही कहने पर मजबूर हैं कि जंग जीतो तो कुछ ऐसे कि लगे हर लम्हे को जीता है हिंदुस्तान। और इंडिया है बुलंद हौसलों की असली पहचान। स्पोर्ट्स डेस्क, फर्स्ट इंडिया। ऐसी ही एक गोल्डन गर्ल है सायना नेहवाल, एक ऐसा नाम जिसने बैडमिंटन में भारत का नाम रोशन किया है। जब वो कोर्ट पे उतरती हैं तो विरोधी खिलाड़ियों की सांस फूल जाती है। देश ही नहीं, उसने विदेशों में भी भारत के तिरंगे को लहराया है और गर्व करने के कई लम्हे दिए हैं। इंडिया में बैडमिंटन को घर घर तक पहुंचाने का काम किया शाइनिंग स्टार सायना नेहवाल ने। आज ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं, आज हर लड़की सायना बनने का सपना देखती है। देश की इस बेटी ने हिंदुस्तान का नाम सात समंदर पार रोशन किया। बैडमिंटन कोर्ट पर जब सायना नेहवाल खेल रही होती हैं तो कितना भी बड़ा खिलाड़ी सामने क्यों ना हो, अपनी जीत को लेकर परेशान ही दिखता है, क्योंकि सायना की हिम्मत और हौसले के आगे अच्छे अच्छे अपने घुटने टेक देते हैं। जिस खेल में कभी चीन का दबदबा था, वहां सायना नेहवाल ने ऐसी सेंध लगाई कि पूरी दुनिया देखती रह गई। पहले घर में नाम कमाया और फिर विदेशी सरजमी पर देश का तिरंगा फहराया। इस मुकाम तक सायना यूं ही नहीं पहुंची, सालों की कड़ी मेहनत, लगन और कुछ कर दिखाने की ललक ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। सायना नेहवाल आज एक यूथ आइकॉन बन चुकी हैं। कई लड़कियां आपको हाथ में रैकेट लिए सायना बनने की ख्वाहिश का इजहार करती नजर आ जाएंगी। सायना ने जब लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता तो इस गोल्डन गर्ल की चमक से पूरा हिंदुस्तान जगमगा उठा। जो कारनामा सालों से कोई नहीं कर सका था वो सायना ने कर दिखाया और हर दिल ने कहा हर घर में हो ऐसी गोल्डन गर्ल। स्पोर्ट्स डेस्क, फर्स्ट इंडिया। तो वाकई में गोल्डन गर्ल्स इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया की पहचान बन चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वुशु प्लेयर रोशनी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रोशनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। आप खुद एक प्लेयर हैं और इंडिया और देश में, इंडिया में ऐसे बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अलग अलग खेलों पर अपना नाम कमा रही हैं। कैसा महसूस करते हैं जब आपकी इंडिया की गर्ल्स का नाम बाहर भी होता है? हमें अच्छा लगता है और खुशी होती है कि मम्मी पापा को कुछ अच्छा करके दिखाया। मम्मा पापा भी सब खुश होते हैं, घर में सब देखते हैं, जब सबको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और एक ये होता है कि जो इंडिया में कहा जाता है कि लड़कियां नहीं खेल सकती, तो लड़कियां अपना मुकाम बना रही हैं, तो वो एक उन लोगों को दिखा रही हैं कि हम भी कुछ कर सकते।
आप वुशु खेलती हैं, वुशु को चूज करने के लिए बहुत सारे गेम्स थे जो आप खेल सकते थे, उसके इस गेम को चूज करने के पीछे कोई खास वजह? हाँ, मैंने देखा कि इसमें पूरा सेल्फ डिफेंस है, जिससे कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि मतलब लड़कियाँ अनसेफ होती हैं, पर इसको खेल को सीखने के बाद मुझे ये लगता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं को कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मेरे साथ हो, मैं अपने आप को सेफ महसूस करती हूँ इस गेम के मतलब जब आप मतलब बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ के अप हुआ है। जब आपने इस गेम्स को आपने सोचा कि आप वुशु खेलेंगी, वुशु में अपना करियर बनाएंगी, तो घर से कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट मिला? कुछ प्रॉब्लम्स आई? मुझे पूरा सपोर्ट मिला, मेरे पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट करा। जो भी मैंने कहा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मुझे खेलना है, पापा ने कहा ठीक है जाओ खेलो। मेरे को फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला। जब आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको बॉयज भी मिलते हैं, तो किस तरीके से मतलब आपको आप इस चीज़ को हैंडल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि आज भी बहुत से ऐसे गेम्स हैं जहाँ पे लड़कों का वर्चस्व आज भी ज़्यादा है। लड़के हमारे यहाँ के लड़के बहुत डिसिप्लिन हैं, बहुत अच्छे हैं, वो हम गर्ल्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी भी यूँ नहीं कि छोड़ दिया, जहाँ भी जाते हैं पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी टेक केयर करते हैं, वेल मैनर्स बॉयज़ हैं हमारे यहाँ के, तो बहुत अच्छे से ट्रीट आउट करते हैं। अभी जैसे कि हमने सायना नेहवाल का भी पैकेज देखा, आप वुशु खेलती हैं, वो बैडमिंटन खेलती हैं, काफ़ी नाम इंडिया का रोशन कर रही हैं, सायना नेहवाल के बारे में आप क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छी प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की हैं गर्ल्स के लिए, गर्ल्स का मतलब हौसला बढ़ाने में उनका भी एक है कि उनको देख के लगता है कि हम भी ऐसे उनकी तरह नाम ऊँचा करें अपने परिवार का अपना। कितनी मेहनत चाहिए अगर आप एक प्लेयर बनने के लिए, बींग अ गर्ल, जब आप सोचते हैं कि आपको करियर बनाना है, किसी गेम में आगे निकलना, लड़कों से ज़्यादा कितनी मेहनत आपको शुरुआत से करनी पड़ती है? मेरे हिसाब से गर्ल्स को बॉयज़ की तरह ही पूरी मेहनत करनी पड़ती है, और पूरा वो ही डाइट, वो ही वर्कआउट करना पड़ता है वैसे ही जैसे एक लड़का करता है, तो गर्ल को भी पूरी बहुत ज़्यादा मतलब कहने का है कि मेहनत करनी पड़ती है। मतलब बिना मेहनत, अगर लड़के ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती बहुत कुछ, लेकिन अगर देखा जाए तो खेल की दुनिया में शायद ऐसी कोई जगह नहीं है जहां लड़कियां मेहनत नहीं कर रही हैं या आगे नहीं बढ़ रही हैं। रोशनी, आप हमारे साथ शो में बने रहिए, फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और कई सारी गोल्डन गर्ल्स के बारे में बातचीत होगी।